आपको बताएं, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। अब खबर देते चलें आपको सिविलियन का। फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ा फैसला सामने आया, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इंटर कोर्ट पर अपील गई थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस पर समाअत की है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जमा करवा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला है ये। मिलिट्री कोर्ट पर 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट पर 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। अहम खबर दें आपको, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बड़ा फैसला सामने आ गया है और 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मशरूत जो था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट पर 5 रुकनी बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ये बड़ा फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था उसको आज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मशरूत मुअत्तल कर दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस पर समाअत की है और बड़ा फैसला दिया है कि मिलिट्री कोर्ट पर जो 5 रुकनी बेंच का फैसला पहले आया था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। बशारत राजा मजीद आगाह करेंगे। जी बशारत, बताएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया गया है। जी, सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 5 रुकनी जो बेंच का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करते हुए ये मुख्तसर फैसला उन्होंने सुनाया है कि मिलिट्री कोर्ट मुलजमान का ट्रायल कर सकती है लेकिन उस पर हतमी फैसला नहीं दे सकती। आज जब सुबह केस की समाअत शुरू हुई 11:30 बजे तो बेंच के सदर जस्टिस सदार तारिक मसूद पर मरकजी दरख्वास्त गुजार के जो वकला थे जस्टिस जवाद आस खाजा के, उनके वकला ने एतराज उठाया उसमें पर आकर के आपके इस बेंच पर हमें एतराज है और आपके बेंच की जो आप बेंच को लीड कर रहे हैं इसको आप बेंच से अलहदा होने पर एतराज है। तो जैसे सिद्धार्थ तारिक मसूद ने कहा कि मैं खुद को बेंच से अलहदा नहीं कर रहा और मैं खुद को बेंच में केस सुनूंगा, जिस पर उन्होंने वकला से कहा कि आप जस्टिस जवाद ख्वाजा का जो फैसला है वो खुद पढ़ लें कि उन्होंने फैसले में ये लिखा हुआ है कि जज की मर्जी होती है कि वो किसी बेंच से खुद को अलादा करे या ना करे, लिहाजा मैं खुद को अलादा नहीं कर रहा। तो केस की फ्रिकेंड के वकला के दलायल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। तो अभी अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मिलिट्री जो अदालतें हैं वो मुजमान का ट्रायल कर सकती हैं लेकिन हतमी जजमेंट नहीं दे सकती। और 5 रुपये जो लार्जेस्ट बेंच अक्टूबर में सुनाया गया था उसका फैसला उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जी अच्छा बशारत राजा, परसों जुड़िया खान के अंदर दहशत गर्दी हुई जिसमें पाक फौज के जवान भी शहीद हुए, उसका भी जिक्र किया गया आज समाअत के दौरान। जो बेंच के सरबराह थे जैसे सरदार तारिक मसूद, उन्होंने इस हवाले से रिमार्क किए थे कि कल जो कल जो दहशतगर्दी हुई उसमें जो लोग शहीद हुए उसमें सिविलियन लोग भी शहीद हुए, दूसरे लोग भी शहीद हुए, उसका जिक्र उन्होंने किया कि उनका क्या बनेगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट जो 5 रुकनी बेंच था उसमें 2(1)(d) की एक शिप को मुअत्तल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर वो शिप बहाल भी हो जाती है तो हमें कम से कम उन लोगों का जो अदालत की मिलिट्री कोर्ट में जिन लोगों का ट्रायल होना है अगर वो शिक बहाल हो जाती है तो हम उनका ट्रायल तो कर सकेंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि अभी मर्जी फैसला जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का तफसीली फैसला नहीं आया उसको सुने बगैर। सही, बहुत बड़ा फैसला आया फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। बशारत राजा आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।